आज हम सभी लोग निकले हैं भारत जोड़ो यात्रा में। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी इस देश की समरसता को, इस देश की एकता अखंडता को, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ना चाहती है, कभी शमशान के नाम पर, कभी कब्रिस्तान के नाम पर, कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर, और ये देश जो है, ये देश एक दूसरे के साथ मिलने वाला देश है, प्रेम का देश है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है, और हम सारे लोग महात्मा गांधी के वंशज हैं, उनके विचारों के हम प्रबल समर्थक हैं। लेकिन आज जिस तरीके से 56 इंची के सीना वाले प्रधानमंत्री जी इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, और हमारी सीमाएं असुरक्षित हो गई हैं, चीन जैसा देश हमारी माँ भारती की सीमा में घुसकर माँ भारती के रणबांकुरों को शहादत देने को विवश करता है, और 56 इंची वाले सीना वाले प्रधानमंत्री जी मौनी बाबा बन जाते हैं। और जबकि आपको याद होगा कि गोलमेज सम्मेलन हुआ था और उसमें महात्मा गांधी गए थे, और इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम ने मिलने की इच्छा व्यक्त की, और जब उनसे मजाकिया अंदाज में पूछ लिया महात्मा गांधी से कि गांधी जी आपके कपड़े कहाँ हैं, तो गांधी जी ने कहा कि आप राजा हमारी बात छोड़िए, आपने हमारे देश का सारा कपड़ा चुरा लिया है। ये कहने का साहस जो है, ये 56 इंची वाले प्रधानमंत्री कभी नहीं कर सकते, जो चीन जैसे देश को जो है जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जो देश पूरी दुनिया में 2/3 का शासन करता था, जिसके यहाँ सूरज अस्त नहीं होता था, उसके राजा को उसके महल पर बोलने का साहस यदि किसी ने किया तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया। तो हम उस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के वंशज हैं जो चाहते थे राम राज्य लाना, जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं ये देश की व्यवस्थाओं को तोड़ रहे हैं, देश की अस्मिता को तोड़ रहे हैं, इसकी अखंडता, और पूरी दुनिया को हमने गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत पर आगे चलाया था। तो हम लोग ये भारत जोड़ो यात्रा, वो जितना तोड़ेंगे हम उतना जोड़ेंगे, और हम उतना लोगों में सद्भाव, प्रेम और विश्वास भरेंगे, क्योंकि यह देश हमारे लता मंगेशकर जी का भी एक गाना आपने सुना होगा कि यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, यह देश को यारों क्या कहना। क्योंकि जितना इस देश में शहादत देने वालों की लाइन लगी रहती है, वो दुनिया में कहीं नहीं दिखेगा। हंसते हंसते लोगों ने फांसी के फंदे को चूमा, हंसते हंसते लोगों ने शहादत देने का काम किया, लेकिन जब जुल्म बढ़ा है तो जुल्म के विरोध में हम सड़कों पर हैं, सत्याग्रह तरीका है हमारा, और जब जुल्मतें बढ़ जाएं हद तक तो एक लौह जलाना लाजिम है, जब हाकिम ही गुमराह है, जब हाकिम ही गुमराह करे आवाज़ उठाना लाजिम है, हाकिम संग कातिल हो जाए, हर लब पर पहरा हो जाए, सहमी सहमी गलियां हो, खौफ का आलम गहरा हो, आवाज़ उठाना लाजिम है, आवाम जगाना लाजिम है, जब कातिल निकले सड़कों पर और मुंसिफ ही घबराने लगे तो आवाज़ उठाना लाजिम है, आवाम जगाना लाजिम है। तो हम आवाज़ भी उठा रहे हैं, आवाम भी जगा रहे हैं, लेकिन हमारा जवाब क्रूर नहीं है, हमारा जवाब कड़ा नहीं है। हम प्रेम के पुजारी हैं, मानवता के पुजारी हैं, हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के वंशज हैं। तो हम सत्य अहिंसा के मार्ग को प्रशस्त करके इस देश को मजबूत करने की दिशा में आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।